हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन को, जो कि एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन का रीमेक है। इस पर एक नॉवल भी लिखी गई थी। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को एक वार्निंग के साथ कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जंगल में भाग रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते उसका फोन गिर जाता है और वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। इधर उधर देखने पर उसे लगता है कि अब कोई नहीं है। इतने में ही जब वो आगे मुड़ती है तो वो आदमी उसके सामने खड़ा होता है। फिर फौरन ही सीन चेंज हो जाता है और हमें हमारी इस मूवी की हीरोइन परिणीति हाई रोड स्टेशन पर खड़ी नजर आती है। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी होती है। लगता है कि जैसे किसी ने कोई भारी चीज पर सर दे मारा हो। फिर एकदम से ये मूवी फ्लैशबैक पे ले जाती है हमें 2017 पे, जहाँ किसी की शादी चल रही है और वहीं हमारी मूवी का हीरो शेखर होता है। शेखर परिणीति को उस शादी में देखता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। फिर शेखर परिणीति को प्रपोज करता है। इस मूवी में परिणीति का नाम मीरा होता है। शेखर मीरा को प्रपोज करता है और मीरा हाँ कह देती है। वो दोनों शादी करते हैं और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन मीरा रोड पे चल रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई काली रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो भागते भागते डरी सहमी घर पहुंचती है और एकदम से उसके दरवाजे के शीशे टूटने की आवाज आती है। वो जाती है तो देखती है कि दरवाजे के शीशे के थ्रू किसी ने पत्थर फेंका होता है और उस पत्थर पे एक चिट लगी होती है। उस पर लिखा होता है, तुम ये केस छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। मीरा ये बात शेखर को बताती है तो शेखर उसे मशवरा देता है कि वो ये केस ड्रॉप कर दे। इस चीज से हमें पता चलता है कि मीरा एक लॉयर है। मीरा कहती है कि उसके प्रोफेशन में ये चीज आम है, लेकिन शेखर उसे कहता है कि अब वो आगे जाके फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वो चाहता है कि सिर्फ वो हो, मीरा हो और उसका बच्चा हो। लेकिन मीरा उसकी बात नहीं मानती। और फिर हमें दिखाया जाता है एक कोर्ट जिसमें मीरा केस लड़ रही है। उसमें एक जग्गा नामी क्रिमिनल होता है जिसने मर्डर किया होता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और मीरा के सबूतों के बाइस उसे सजाए मौत सुनाई देती है। फिर दिखाते हैं कि जिन लोगों का केस मीरा ने जीता होता है वो बाहर उनसे मिल रही होती है। खैर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस ये बताऊंगी कि शेखर वहीं पर आता है और मीरा को उसके प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज़ देता है। और फिर डायरेक्ट 6 मंथ्स बाद हमें दिखाया जाता है कि शेखर और मीरा बहुत हंसी खुशी शॉपिंग कर रहे हैं और कार में बैठ के घर आने वाले होते हैं कि इतने में रास्ते में एक काली गाड़ी आकर उन्हें मार देती है। वो दोनों ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आता है और हम देखते हैं कि 2019 का ईयर है और मीरा अकेली है। फिर हम देखते हैं कि मीरा अपने साइकेट्रिस्ट के पास बैठी है और यहाँ से हमें पता चलता है कि मीरा का शौहर अब उसके साथ नहीं है। फिर दिखाते हैं कि मीरा एक ट्रेन से रोज सफर करती है, उसी रास्ते में उसी ट्रेन से। वो सिर्फ सफर इसलिए करती है कि उसके रास्ते में उसका वो घर दिखाई देता है जहां वो पहले शेखर के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि शेखर ने मीरा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और मीरा ये समझती है कि शेखर ने उसे चीट करा है। उसी रास्ते पर उसे एक और घर नजर आता है जहां पर एक लड़की होती है अपने शौहर के साथ बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। और मीरा उसको देख के यही सोचती है कि क्या किसी की जिंदगी इतनी परफेक्ट हो सकती है? क्या मीरा की जिंदगी भी इतनी परफेक्ट हो सकती थी? फौरन ही दूसरे सीन पर ले जाया जाता है और हमें दिखाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पे एक कंप्लेन आती है कि नुसरत नाम की एक लड़की गायब है। वो जहां काम करती है पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम होता है कौर। वो लोग उनको पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में काम करती है
और इंस्पेक्टर कौर उसकी पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहां से पता चलता है कि वो एक पार्टी में गई होती है जो उसके बॉयफ्रेंड राजीव ने दी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर कौर राजीव से मिलने उसके डांस क्लब जाते हैं। राजीव पुलिस को बताता है कि वो वहां अगर आई भी होगी तो उसे खबर नहीं, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे और नुसरत से वो नहीं मिला। फिर नुसरत के गायब होने से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। तब हमें दिखाते हैं कि मीरा अपनी जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रही है, लेकिन वो हर जगह से रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि उसको अब लग चुकी है शराब की आदत और कोई भी किसी शराबी को अपने जॉब के लिए हायर नहीं करेगा। रास्ते में जाते हुए वो देखती है उसी लड़की का घर, नुसरत का घर। नुसरत बहुत हंसी खुशी वहाँ डांस कर रही होती है और मीरा उसको देख के बस यही सोचती है कि क्या किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट हो सकती है। फिर हमें दिखाते हैं शेखर को। शेखर अपनी दूसरी बीवी अंजलि के साथ कहीं जा रहा होता है तो बीवी को गुस्सा आ जाता है जब मीरा कॉल करती है और वो आके शेखर को कहती है कि ये क्या तरीका है, तुम्हारी बीवी तुम्हें हर वक्त कॉल करती रहती है। जिस पे शेखर उसे मना लेता है क्योंकि उसकी बर्थडे होती है। वो उसके साथ पिक्चर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जो पिक्चर मीरा देख के बहुत डिप्रेस हो जाती है। वो शराब पीती है और डांस करने लगती है। एक बार में डांस करते करते वो देखती है कि शेखर और उसकी दूसरी बीवी उसी बार में डांस करने आए हैं। वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और बेहोश हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कौर को एक खबर मिलती है कि नुसरत एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी। वो उस साइकेट्रिस्ट से मीटिंग फिक्स करता है और साइकेट्रिस्ट बताता है कि कुछ दिनों से नुसरत काफ़ी परेशान थी। इनफैक्ट जब उसका साइकेट्रिस्ट नुसरत से मिलने जाता है तो नुसरत किसी आदमी से बात कर रही होती है, बात क्या झगड़ रही होती है, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हामिद के पूछने पर नुसरत इनकार कर देती है कि वो उसका एक पुराना दोस्त है और ऐसा कोई मसला नहीं। फिर डॉक्टर हामिद इंस्पेक्टर को ये बताता है कि राजीव नुसरत का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस उसे हरास करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस पर इंस्पेक्टर कौर डॉक्टर हामिद से वो सारे सेशंस की वीडियोज़ मांगती है जब नुसरत उसके पास आती थी। उन वीडियोस को इंस्पेक्टर कौर देखती है और उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि नुसरत एक अमन पसंद लड़की थी। वो कहती है कि उसे फॉरेस्ट के बीच में आज़ाद रहना और खुश रहना अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमें ये सीन दिखाया जाता है कि नुसरत कार में किसी के साथ फिजिकल हो रही है। हमें ये भी पता चलता है कि नुसरत मैरिड है और वो अपने शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती, यानी कि उसका उसके शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इंस्पेक्टर कौर आनंद के पास जाती है जो कि नुसरत का शौहर है, और आनंद उसे बोलता है कि उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं है नुसरत जिए या मरे या गायब हो, क्योंकि वो अब डिवोर्स फाइल कर चुका है। जिस दिन नुसरत के गायब होने की खबर आती है उस दिन मीरा उसी ट्रेन में बैठ के अपने सफ़र को चलती है तो वो देखती है कि नुसरत अपने ही घर में मौजूद है, लेकिन उसके साथ उसका शौहर नहीं कोई और है, वो किसी और लड़के से गले लग रही होती है। ये चीज़ देख के मीरा को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि नुसरत अपने शौहर को चीट कर रही है, सेम उसी तरह जिस तरह शेखर ने मीरा को चीट किया था। मीरा अपनी ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है और बहुत आग बगोला हो जाती है। इतना गुस्सा आता है उसे कि वो ये कहती है कि उसका दिल कर रहा है कि वो अभी नुसरत के घर जाए और उसका सर दीवार पर इतनी ज़ोर से मारे कि वो मर जाए। और इसी बीच मीरा एक वीडियो रिकॉर्ड शूट करती है जो उसे पता नहीं होता लेकिन शूट हो जाती है। पुलिस को राजीव की पार्टी की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिलती है जिसमें वो ये देखते हैं कि राजीव नुसरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो राजीव को पकड़ने जाते हैं, राजीव भाग जाता है। फिर राजीव जब हाथ लगता है तो वो पुलिस को बताता है कि वो लड़की नुसरत नहीं कोई और है, वो किसी और के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और इसी वजह से वो भाग जाता है कि शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मीरा नुसरत के घर पहुंचती है, बहुत गुस्से में होती है और बेल बजाती है। किसी के दरवाज़ा ना खोलने पर नुसरत वहां से वापसी की ओर आ रही होती है तो रास्ते में वो नुसरत को फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखती है। वो नुसरत का पीछा करती है और नुसरत उसे एक थप्पड़ मारती है और मीरा नीचे गिर जाती है। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो सबसे स्टार्ट में दिखाया गया था जब मीरा स्टेशन पर खड़ी हुई थी चोट के साथ। पुलिस को नुसरत की लाश मिल जाती है और उनको ये भी पता चलता है कि जब वहाँ नुसरत को मारा गया तब वहाँ पर मीरा मौजूद थी, क्योंकि मीरा का कार्ड और मीरा के ब्लड सैंपल्स वहाँ से मिलते हैं।
और वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये भी देखते हैं कि नुसरत के घर के बाहर मीरा आई थी। वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं कि मीरा बहुत डिप्रेस्ड है और उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें फॉरेस्ट में देखा है, नुसरत मर चुकी है। फिर अगली सुबह मीरा जाती है उस जगह जहाँ पे वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। वहाँ वो सबको बताती है कि किस तरह वो शराब की बुरी आदत में लग गई और इस वजह से वो सबको बहुत नुकसान पहुँचाती थी। उसने अपने शोहर को भी नुकसान पहुँचाया, वो अपने शोहर के साथ पार्टीज में जाती थी, वहाँ हंगामे करती थी, जिस वजह से उसके शोहर को जॉब से निकाल दिया गया और इसी शराब की आदत की वजह से उसके शोहर ने उससे डिवोर्स ले ली। फिर मीरा जाती है अपने दोस्त से मिलने जहाँ इंस्पेक्टर कौर भी आती है और वो उससे काफ़ी सवाल जवाब करती है। इंस्पेक्टर के हर सवाल पे मीरा का जवाब होता है हाँ, जबकि इंस्पेक्टर कौर झूठी बातें भी पूछ रही होती है। मीरा उसको बताती है कि उसे एमनीजिया है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है, तो उसे कुछ भी पता नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं। वहीं मीरा अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने नुसरत को फॉरेस्ट में फॉलो किया था, लेकिन इतने में ही उसके सर पे चोट लगती है और उसको फिर नहीं पता उसने क्या करा है क्या नहीं। मीरा जाती है आनंद से मिलने बार में। आनंद उसे एक तस्वीर दिखाता है जिस पर मीरा ये कहती है कि हाँ, ये वही आदमी है जो उस दिन नुसरत के साथ था, जिस पर आनंद कहता है कि इस आदमी पर मुझे पहले ही शक था, ये नुसरत का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हामिद होता है। मीरा का साइकेट्रिस्ट इंस्पेक्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मीरा ने उसे ये सब बताया है कि उसने उसको फॉरेस्ट में फॉलो किया था। उसी वक्त पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ जाती है स्टेशन की, जब देखते हैं कि 10:30 बजे मीरा स्टेशन पर खड़ी है और उससे पहले ही मर्डर हुआ है, तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब मीरा ने ही करा है। अब मीरा उस नंबर पर मैसेज करती है जिससे उसे मैसेज आया होता है, हु आर यू। उतने में ही उसे कॉल आती है और वो कहता है कि उसने उसको जंगल में देखा था, नुसरत मर चुकी है, वो चुप रहेगा अगर मीरा उसे पैसे दे दे। मीरा उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। इतने में इंस्पेक्टर कौर मीरा के घर आती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का कहती है। मीरा बहाना करती है कि उसे दवा खानी है, वो ऊपर जाती है और वॉशरूम की खिड़की के जरिए नीचे कूद के भाग जाती है। जैसे ही वो नीचे कूदती है उसका मोबाइल गिर जाता है जो इंस्पेक्टर कौर के हाथ लग जाता है। भागते भागते मीरा पहुंचती है एक लड़के के पास, ये वही लड़का होता है जिसका केस मीरा ने जितवाया होता है। वो उससे कुछ कैश, मोबाइल और गन मांगती है। वो गन लेकर वो डॉक्टर हामिद की गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही डॉक्टर हामिद गाड़ी में बैठता है वो उसकी कनपट्टी पे गन रखती है और उससे पूछती है कि क्या नुसरत प्रेग्नेंट थी। वो कहता है हाँ। वो पूछती है कि क्या वो बच्चा उसका था, तो डॉक्टर हामिद उसे बताता है कि उसका और नुसरत का कोई अफेयर नहीं था, नुसरत प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा उसके शोहर का भी नहीं था। वो बच्चा किसका था ये चीज़ डॉक्टर हामिद को भी नहीं पता होती। जब नुसरत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है वो बहुत डिप्रेस हो जाती है और वो जाकर डॉक्टर हामिद को कॉल करके बुलाती है और तभी डॉक्टर हामिद आते हैं और वो उनसे गले लग जाती है और वही चीज़ मीरा ने देखी होती है, तो उसको लगता है कि नुसरत उसे चीट कर रही है। मीरा घर आती है और अपनी सारी पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है, तो उसे एकदम से याद आता है कि जब वो ट्रेन में बैठी होती है नशे की हालत में, तब वो वहाँ देखती है कि कोई एक लड़की जंगल में भाग रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बात को जानने के लिए वो अगले दिन उन्हीं फॉरेस्ट में जाती है। वो वहाँ देखती है कि एक लड़का होता है घोड़ों के साथ मौजूद। वो उस लड़के को नुसरत की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने वहाँ उसे कभी देखा है। वो लड़का इनकार कर देता है। फिर मीरा बोलती है कि क्या उस लड़के ने मीरा को कभी वहाँ देखा है। वो लड़का बोलता है नहीं और अपने मोबाइल में लग जाता है। पुलिस के पास मीरा का फ़ोन होता है तो उन्हें यह पता चलता है कि कोई उसे एक्सटॉर्शन के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, उससे पैसे ऐंठना चाहता है। इतने में ही हमें दिखाते हैं कि मीरा स्टेशन पर होती है और कहीं जा रही होती है तो उसका क्रेडिट ख़त्म हो जाता है। वो रिसेप्शन पर टॉपअप करवाने जाती है तो रिसेप्शन वाला उसे बताता है कि 31st की रात को लास्ट ट्रेन उसने 8:30 बजे ली थी, जिस चीज़ को मीरा क्लिक कर लेती है और वो सोचती है कि अगर उसने आखिरी ट्रेन 8:30 पे ली थी तो 10:30 की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास कैसे आई जब वो स्टेशन पे 10:30 पे मौजूद ही नहीं थी। मीरा चर्च जाती है जहाँ नुसरत की प्रेयर हो रही होती है। वहाँ पे नुसरत की लगी पिक्चर्स को मीरा बहुत गौर से देखती है और देखती है कि नुसरत के हाथ में वही फ़ोन है जो उस वक्त उस घोड़े वाले लड़के के पास था। नुसरत उस लड़के के पास जाती है और ज़बरदस्ती उससे उसका फ़ोन ले आती है जो कि वाकई नुसरत का होता है।
रास्ते में उसे एक कपल मिलता है जिनसे वो बहुत अच्छे से मिलती है और लगता है कि बहुत टाइम से उनसे मिली नहीं होती। वो कपल उनसे पूछता है कि वो कहाँ गायब हैं और मीरा उनको सॉरी करती है कि वो नशे की हालत में उनके घर में बहुत थोड़-फोड़ मारपीट करके आई थी। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि शेखर ने उसे यही बताया होता है कि उसकी बदतमीजी और शराब की हरकतों की वजह से उसको वो लोग जॉब से निकाल देते हैं। वो कपल उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो शराब की हालत में ज़रूर थी लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं करा था और वो वहीं पर सो गई थी। मीरा उनसे पूछती है कि तो उन्होंने शेखर को जॉब से क्यों निकाला, तो उसके बहुत पूछने पर वो कपल उनको बताता है कि शेखर उनकी एक एम्प्लॉय को हरेस कर रहा था और वो उसे कहती है कि तुम शेखर को लड़कियों के मामलों में नहीं जानती, जो सुनकर मीरा बहुत ज़्यादा रोती है और डिप्रेस हो जाती है। फिर मीरा जाती है अपने डॉक्टर के पास और वो उसे बताती है कि असल में मीरा का बेबी अबॉर्ट करवाया गया था। शेखर ने डॉक्टर को जाके बोला होता है कि मीरा ये बेबी नहीं चाहती, जबकि उसके बेबी के साथ कोई इश्यू नहीं था। उस एक्सीडेंट के बाद भी उसका बेबी परफेक्ट था। और मीरा जब शेखर से दूसरे बेबी की प्लानिंग की बात करती है तो शेखर ये कह के टाल देता है कि डॉक्टर ने कहा है बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मीरा बहुत डिप्रेस हो जाती है, अकेले घूमती है, अकेले ही रहती है लेकिन और बुरी हालत में, शराब पीती है और रोडों पे घूमती है। फिर मीरा अपने पुराने वक्त को याद करती है तो उसे याद आता है कि असल में उसे शराब पीने की लत तो उसके शौहर शेखर ने ही डलवाई होती है, वही उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाता था और वो शराब पीने के बाद सो जाती थी। शेखर ने उसे जो जो बताया कि ये सब मीरा ने शराब की हालत में किया वो दरअसल शेखर ने ही करा होता है, मीरा तो शराब पी के सो जाती थी। शेखर ही घर में तोड़फोड़ करता था, गुस्सा करता था और उसने ही जबरदस्ती मीरा से तलाक ली। मीरा ये सब सोच रही होती है, फिर उसे याद आता है कि उसके पास नुसरत का फोन है। वो नुसरत के फोन में जाती है और वो ये देख कर हैरान हो जाती है कि उसमें शेखर की चैट है। इसका ये मतलब हुआ कि नुसरत और शेखर का अफेयर चल रहा था। वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे अंदाज़ा होता है कि नुसरत के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं शेखर का है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नुसरत को एक आदमी तंग कर रहा है, जो डॉक्टर हामिद ने भी बोला था कि वो उसे रोड पर खड़े होकर तंग कर रहा था। वो कोई और नहीं, उसके शौहर का उसके पीछे लगाया हुआ डिटेक्टिव ही था। वो नुसरत को बोल रहा था कि तुम मुझे पैसे दो वरना ये फोटोग्राफ्स वो उसके शौहर आनंद को दे देगा। मीरा जब नुसरत के मोबाइल में होती है तो उसे वॉल्टर के बारे में पता होता है। वो वॉल्टर को मैसेज करती है कि तुम उसको मिलो और उसको सब सच्चाई बताओ। इतने में ही दूसरे सीन दिखाया जाता है कि मीरा उस सीसीटीवी कैमरा वाले के पास गई जब स्टेशन पर टाइम 10:30 आ रहा था। असल में वीडियो का टाइम 8:30 ही था, वो किसी ने अंदर जाकर टाइम चेंज करा है। जब वॉल्टर मीरा से मिलने आ रहा होता है तो रास्ते में एक काली गाड़ी वॉल्टर को उड़ा देती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। मीरा उसका मोबाइल लेती है, आनंद को कॉल करके उसका एड्रेस पूछती है। फिर मीरा किसी नंबर पर मैसेज करती है कि सारे सबूत मिल गए हैं वॉल्टर के घर में, और वो वॉल्टर के घर जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स और कंप्यूटर पड़ा होता है। उन फोटोग्राफ्स को देखती है और उनमें वो तस्वीरें भी होती हैं जो उस रात फॉरेस्ट में हुआ होता है। उन्हें देखकर उसे ये अंदाज़ा होता है कि शेखर ने मीरा का सर पकड़कर ज़ोर से पत्थरों में मारा। आपको याद होगा कि पुलिस को भी उसका खून सैंपल मिलता है। मीरा का सर पटकते ही मीरा वहाँ पर गिर जाती है। मीरा शेखर को कॉल करती है और वॉल्टर के घर बुलाती है। वहाँ पहुँचता है तो उसे सब बताता है कि किस तरह नुसरत उसे फॉरेस्ट में मिलने आई और नुसरत ने उसे ये सच बताया कि वो माँ बनने वाली है। शेखर को वो बच्चा नहीं चाहिए था। नुसरत के बहुत जिद करने पर शेखर को गुस्सा आ गया, शेखर ने उसका गला दबाया और नुसरत नीचे गिर गई और इसकी वजह से शेखर वहाँ से डर के भाग गया। वो बताता है कि किस तरह शेखर और नुसरत का अफेयर स्टार्ट हुआ। ये सब सुन के मीरा बहुत आग बगोला हो जाती है और शेखर के सर पर एक जोर से कुछ मारती है और शेखर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो वापस वॉल्टर के उस कमरे में जाती है और वो ये देखती है कि वो ब्लैक गाड़ी जो हर मर्डर स्पॉट पे मौजूद होती है वो असल में बिलोंग किसको करती है। वो सर्च करती है तो उसे पता चलता है वो जिम्मी बग्गा की होती है। जिम्मी बग्गा वही शख्स है जिसको मीरा ने केस में हरा कर सजाए मौत दिलवाई थी। वो फेसबुक पर जिम्मी बग्गा को सर्च करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी कोई और नहीं इंस्पेक्टर कौरी होती है। इतने में ही सीसीटीवी कैमरा फुटेज वाला
मीरा को वो पिक्चर व्हाट्सएप करता है जिसने वीडियो के टाइमिंग्स चेंज करवाए होते हैं। मीरा को 100% पक्का यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे इंस्पेक्टर कौर का हार है। इतने में इंस्पेक्टर कौर खुद वहां पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि हाँ वही है इन सब के पीछे। असल में मीरा को सब पता होता है कि कौन है इस मर्डर के पीछे, क्योंकि उसे पता था कि जो भी इस मर्डर के पीछे है उसके पास उसका मोबाइल है। और मीरा का वो मैसेज जब उसने करा था कि वॉल्टर के घर में सबूत हैं, मीरा जानती थी कि वो मैसेज देख के मर्डर वहां जरूर आएगा। इंस्पेक्टर कौर मीरा को बता दिया कि किस तरह वो उसका पीछा करती है और उस दिन भी उसने फॉरेस्ट में उसका पीछा किया। जब शेखर ने मीरा का सर पत्थर पे मार के मीरा को गिरा दिया था, तब वो नुसरत को भी वहां गला दबा के मार के निकल गया था। जब इंस्पेक्टर कौर वहां पहुंची, मीरा गिरी पड़ी हुई थी। उसने मीरा को मारने की कोशिश करी। इतने में ही नुसरत, जो पूरी तरह से मरी नहीं होती, होश में आकर इंस्पेक्टर कौर को देख लेती है कि वो मीरा को मार रही है। इंस्पेक्टर कौर मीरा को छोड़ के नुसरत के पीछे भागती है। इतने में जब मीरा को होश आता है, मीरा उठ के ट्रेन पे चली जाती है। तभी आपको याद होगा, जब मीरा ट्रेन पे बैठ के रात को सफर कर रही होती है तो उसे नजर आता है कि कोई लड़की भाग रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। भागती हुई लड़की नुसरत थी और उसका पीछा इंस्पेक्टर कौर कर रही थी। इंस्पेक्टर कौर जब नुसरत को पकड़ती है तो वहीं नुसरत को मार देती है। इतने में मीरा और इंस्पेक्टर की हाथापाई शुरू हो जाती है और गन का गलती से निशाना इंस्पेक्टर कौर को लग जाता है और इंस्पेक्टर वहीं मर जाती है। मीरा गन शेखर के हाथ में पकड़ा देती है ताकि सबको ये लगे कि शेखर ने इंस्पेक्टर को मारा है। जब शेखर को होश आता है तो पुलिस उसे वहां से अरेस्ट करके ले जाती है। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीरा अब अपनी शराब की आदत छोड़ के एक अच्छी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है और मूवी का वहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट की गई है कि हर एक मिनट व्यूअर का इंटरेस्ट इसमें डेवलप ही होता है। जैसे कि एक शराबी लड़की दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद इतना दिमाग होता है कि वो हमसे पहले ही ये चीज समझ लेती है कि असल क्रिमिनल आखिर है कौन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।